Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about topic 3 of legal studies, that is constitution, roles and impartiality. So let's start with our topic. So see, the judiciary in India derived its power and functions from the constitution. As we all know, judiciary in India अपनी power derive करता है कहाँ से? Constitution of India से, okay? जो कि basically आज के time तक fundamental legal text है जो हमारी Indian democracy के फंक्शनिंग में हेल्प करता है. सो इसका पहला पार्ट है, देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. देखिए, जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 50 में आप देखेंगे कि ये बताता है कि जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट एंड इज इंडिपेंडेंट. दिस इज अंडरस्टूड एज जुडिशरी इज ऑटोनोमस स्टेट स्टेटस सेपरेट फ्रॉम द इट इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग. ये बात याद रखिएगा, दोनों से सेपरेट है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का फायदा क्या है? देखिए, रूल ऑफ लॉ लगेगा, ओके, बहुत अच्छा गवर्नेंस चलेगा और एक फ्री और फेयर सोसाइटी रहता है अगर हम सोसाइटी को फ्री रखते हैं. इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं. इन दिस कंटेक्स्ट वन मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर ग्रांटिंग अ स्पेशल स्टेटस टू द जुडिशरी. देखिए, एक व्यक्ति को यहाँ पर समझना होगा कि स्पेशल स्टेटस क्यों मिला है जुडिशरी को. पहला रीजन, जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज लिंक टू इट्स रोल एज अ वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी. देखिए, जुडिशरी जो है वॉच डॉग के तौर पर काम करती है, इसलिए उसको किसी के दबाव में नहीं आना होगा, वो इंडिपेंडेंट रही. बिकॉज वो मॉनिटर करता रहता है, जुडिशरी चेक और बैलेंस रखता है अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अदर आर्म्स कौन सी है भाई? एक है हमारा एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड इज लेजिस्लेचर, ओके, या फिर लेजिस्लेटिव. इन दोनों के ऊपर वो वॉच करता रहता है, उनको चेक एंड बैलेंस रखता है. दस जुडिशरी एमर्जीज एज अ मेडिएटर के तौर पर वो काम करता है इनके बीच में, जब एक्सेस पावर इनमें से कोई लेना चाहता है, ओके, और उसको वो दिखाता है कि भाई आपकी पावर यहीं तक लिमिटेड है. फॉर इंस्टेंस, देखिए, द इंडियन पुलिस हैज एक्सटेंसिव पावर फॉर क्राइम डिटेक्शन एंड गैदरिंग एविडेंस. इट इज कॉमन फॉर पुलिस टू इंटेरोगेट. देखिए, इंटेरोगेशन करता है पुलिस, आप जानते हैं इस बारे में. हाउएवर, ये पावर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अक्यूज या सस्पेक्टेड क्रिमिनल के ऊपर ज्यादा वो अपना दबाव करें. अक्यूज कैन नॉट बी कोर्स्ड इनटू गिविंग स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू हिज गिल्ट. वो अपनी स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकता कि उसकी गिल्ट उसकी स्टेटमेंट से वो दिखा रहा है, ठीक है. दिस राइट हैज बीन, इस राइट को आर्टिकल 20 पार्ट 3 के द्वारा भी बताया गया, जो कहता है टू पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. वो खुद के खिलाफ खुद का ही एक तरीके से विटनेस नहीं बन सकता, ओके. जुडिशरी स्टेप्स इन, जब लगता है उसको कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के बीच में, तो स्टेप इन करते हैं, ओके. और इसी एग्जांपल की बात करें, पुलिस अगर अपनी पावर ज्यादा एक्सरसाइज कर ले जो कि उसके लिए लेजिटिमेट नहीं है, तब जुडिशरी स्टेप इन करेगा उस केस में. सेकंड रीजन, इन ऑर्डर टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गारंटीड फ्रीडम. जैसे हमें फ्रीडम टू स्पीक इन पब्लिक असेंबल एंड यू नो बहुत सारे हमें फ्रीडम दे रखे हैं, सो दैट वो फ्रीडम हमारी बनी रहे, वो राइट्स हमारे बने रहे, इसलिए जरूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे और हर चीज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बनी रहे, ठीक है. थर्ड रीजन है, जुडिशरी एक्ट करता है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, उनकी सुरक्षा किसके हाथ में? जुडिशरी के हाथ में, ठीक है. सो इसलिए अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, हमें फंडामेंटल राइट प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे, ठीक है. तो इसलिए जरूरी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो हमने देखिए यहाँ पर 3 रीजन देखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट. तो आप इन 3 रीजन को लिखेंगे. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है हमें कुछ यूनिक राइट्स भी, जैसे फर्स्ट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. कहें तो हमें राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. भाई हम कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे. सेकंड है, देखिए, हमें कुछ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी मिले हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी धर्म को, और माइनॉरिटीज में है तो हमारे इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. सो इसलिए जरूरी है एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी का होना जो हम इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करे, ठीक है. आगे चलते हैं, आगे देखिए. देखिए, हमारी इंडियन जुडिशरी ने आर्टिकल 21 को थोड़ा एक्सपेंड मीनिंग में लिया है, जो नॉर्मली बताता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात बोलता है, लेकिन इसको थोड़ा सा वाइडर सेंस में देखें. जैसे फॉर एग्जांपल, विद इन दिस फ्रीडम द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्ट्रीट वेंडर हैज द राइट टू ऑपरेट ऑन स्ट्रीट्स एज सेलिंग प्रोडक्ट. देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा वाइडली लिया है, थोड़ा सा इसको गहराई से सोचा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जैसे स्ट्रीट वेंडर होता है कोई भी, तो उसके पास यहाँ पर अधिकार है कि वो स्ट्रीट में ऑपरेट कर सकता है, वहां पर वो अपना फल सब्जी वगैरह बेच सकता है, और ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इसको प्रोटेक्शन मिली है. सिमिलरली, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट दोज हु आर एज्ड, जो बूढ़े हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, मैन वीमेन कोई भी हो, उनको खाने का अधिकार, ठीक है, बिकॉज उनके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
और ये सभी अधिकार आर्टिकल 21 के एक्सपेंडेड फॉर्म में बताए गए हैं. ओके, देयरफॉर द कोर्ट इज परफॉर्मिंग द रोल विच इज इट वॉज ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, कोर्ट जो है अपना रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया तो उस टाइम पे प्रोवाइड किए गए थे हमें कुछ अधिकार जो थोड़ा सा हमें समझने पड़ते हैं, बिकॉज कंप्लीट वहां पर नहीं लिखा गया है, लेकिन कोर्ट ही उसको यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में बताता है. ओके, देखिए, इवन तो द ड्राफ्टर्स डिड नॉट, देखिए ड्राफ्टर्स ने ये बातें नहीं लिखी कि लिवलीहुड, फूड वगैरह, लेकिन ये अधिकार बनता है. उन्होंने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लिखा है, तो लाइफ तभी होगी जब वो जीवित रहेगा. ठीक है, तो इसलिए इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर एक कोर्ट और जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल बनता है. आगे बात करते हैं हम क्रिमिनल लॉ की. इंडिपेंडेंस जुडिशरी लिंक टू ग्रांटिंग ऑफ फेयर ट्रायल, कि उस एक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल मिले. दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन व्हेन द एक्यूज्ड आर फॉरेन नेशनल्स और पर्सनल हु हैव कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, एग्जाम्पल टेररिस्ट. और ये देखिए तब भी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली वो टेररिस्ट हो, ठीक है, लेकिन उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल मिले. तो इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वाइटल फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. देखिए इंडिया में क्या है, कानून का यहाँ पर राज चलता है, आप जानते हैं. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेगा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो तभी चलेगा. ठीक है, स्टेट, इसका मतलब क्या होगा कि स्टेट सभी लीगल राइट्स को रिस्पेक्ट करेगी. उसको पता है कि उनसे जो उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है. ठीक है, जुडिशरी उनके अगर ऐसे कोई कानून वो बनाते हैं स्टेट जो कि अच्छे नहीं है या फिर फंडामेंटल राइट्स को खराब कर रहे हैं तो जुडिशरी उसको साफ मना कर देगी. ठीक है, दीज लेसन टीच अस, ये हमें बताते हैं कि कितना ये जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांस है जहाँ पे राइट्स ऑफ सिटीजन है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती स्टेट. दिस कुड ओनली बी पॉसिबल, ये तभी इम्पॉसिबल होगा जब एक इम्पार्शियल जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, तभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिल पाएंगे अच्छे से. देयरफॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिमेन्स अ वाइटल एंड कोर प्रिंसिपल मॉडर्न डेमोक्रेसी में. आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहना. ठीक है, आगे चलते हैं. देखिए अगला जो पार्ट टू है इसके अंदर वो है रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी. इंडियन जुडिशरी का रोल क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम रोल ऑफ द कोर्ट्स. देखिए इंडियन जुडिशरी आपको पता है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, कंप्राइज करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और अदर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा. ओके, इन सब का अपना अपना एक रोल है, अपना कंपोजिशन है, पावर प्रोसीजर रहता है, इलेबोरेटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से इनकी पावर वगैरह को बताया गया है. ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर काफी ज्यादा रोल है, डिफरेंट रोल्स है, देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरी एक्सरसाइज द रोल ऑफ एज ए एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर. दिस इज एक्सप्लेन थ्रू डिफरेंट जुरिसडिक्शंस वेस्टेड इन विद द कोर्ट. इट्स रोल एज द एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन. तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के जुरिसडिक्शन हम डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन, जो कोर्ट को वेस्टेड उनको दिया गया है पावर. अभी अगर हम आर्टिकल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 131, सुप्रीम कोर्ट इज ग्रांटेड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. तो सबसे पहला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मिला हुआ है किस आर्टिकल के तहत. भाई ये मिला हुआ है आर्टिकल 131 के अंडर. ठीक है, आर्टिकल 131 के अंडर. इसके अंदर क्या है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है यूनियन और या फिर एक से ज्यादा स्टेट के बीच में या दो आपस में स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो यस वो केस कहाँ पे सोल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट हो जाए शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, कि वाटर का शेयरिंग की प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, ड्यू टू इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ये बात ध्यान रखिएगा. तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगला जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, दैट इज आर्टिकल 32. ये इनके लिए थोड़ा सा एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रखता है बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर देखिए हमें फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवाने हैं तो आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, ये ऑर्डर्स या रिट्स लागू करेंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिट ज्यूरिसडिक्शन. क्या बोलते हैं भाई, रिट ज्यूरिसडिक्शन. अगला है द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. देखिए एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इन्वोक तब हो सकता है जब सर्टिफिकेट मिले किसके द्वारा, भाई हाई कोर्ट के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल हमारा केस देखिए हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, हमें उसका अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से लेना होगा. ठीक है, आगे देखिए, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मे बी मेड अगेंस्ट एनी जजमेंट. देखिए किसी भी जजमेंट, कोई भी फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट तक का, दोनों केसेस में, सिविल है वो केस चाहे वो क्रिमिनल केस है, तो आप अपील कर सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद. लाइक द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दीज केसेस मस्ट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. देखिए जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में होता है ऐसे ही इसके अंदर भी एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो कानून का, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं.
आगे चलते हैं. अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड एपिलेट पावर्स ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो वेस्टेड विद वाइड, थोड़ी सी ज्यादा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन दे रखी है ओवरऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, जैसे आर्टिकल 136 बताता है. इसके अंदर क्या है, कोर्ट में ग्रांट अ स्पेशल लीव टू अपील एंड रिसीव एनी जजमेंट. देखिए कोई भी जजमेंट वगैरह रिसीव कर सकता है, कोई भी कॉज ऑफ मैटर किसी भी कोर्ट के अंदर या ट्रिब्यूनल के अंदर वो चल रहा है तो वो अपने अंडर ले सकता है. ठीक है, ये पावर भी इसको मिला हुआ है. अब देखिए, बिसाइड एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फंक्शंस एज एन एडवाइजर. देखिए एडवाइजर के तौर पर भी काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. देखिए एडवाइज किसको करते हैं, ये करते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143. तो 143 याद रखिएगा, अगर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है तो आर्टिकल 143 के अंदर वो आएगा. इसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड इट इज नोन एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. इसके अंदर क्या है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर प्रेसिडेंट के सामने आता है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है. अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई राय देता है तो बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, कुछ रेफरेंस ही मांगे गए हैं आज तक, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो आगे चलते हैं. सो फार वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव्स दैट परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट एंड एडवाइज ऑन डिस्प्यूट. देखिए हम बहुत सारे पावर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की दे सकते हैं. हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन भी देखा, प्रेसिडेंट को भी एडवाइज कर सकता है. रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स्ड, उन्होंने रिलैक्स किया है इट्स लोकस स्टैंडी मीनिंग द राइट ऑफ अ पार्टी टू अपियर एंड बी हर्ड बाय अ कोर्ट एंड हैज परमिटेड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रोच कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम. देखिए कई बार क्या होता है कि विक्टिम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है कुछ पब्लिक जो लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह, कि वो उनके बिहाफ पर आ सकते हैं कोर्ट में. ठीक है, फॉर इंस्टेंस इट हैज समन्ड एंड रिप्रेमेंडेड स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर एपैथी एंड लैक ऑफ डिलीजेंस इन रनिंग चाइल्ड केयर होम. जैसे चाइल्ड केयर होम अच्छे से नहीं चला रही कोई स्टेट, तो उनके लिए भी इन्होंने जजमेंट सुनाया है. और ये सब हो पाया है ड्यू टू वन एंड ओनली PIL. देखिए सिर्फ और सिर्फ PIL की वजह से, जिसका नाम हिंदी में जनहित याचिका PIL की द्वारा ही ये सब हो पाया है. ठीक है, दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन आज के टाइम पर देखा जाए, बिकॉज सभी विक्टिम्स देखिए कई बार कोर्ट में नहीं आ पाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर. ठीक है, कुछ को तो पता भी नहीं होता है इसीलिए. और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहली PIL वो है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड इट इज फ्रॉम 1979. कब से है भाई, 1979 से है ये. यहाँ पर देखिए पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविस्ट लॉयर थे, उन्होंने केस फाइल किया बिहाफ ऑफ बहुत सारे कैदी थे बिहार जेल में, जिनके साथ इनह्यूमेन कंडीशन में वहां पर वो जी रहे थे प्रिजन में. तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसके हेड थे जस्टिस PN भगवती, उन्होंने डिक्लेयर किया कि राइट फॉर लीगल फ्री लीगल एड एंड एक्सपेडिशन ट्रायल फॉर दीज प्रिजनर, की अलग से इनके लिए फ्री लीगल एड मिलेगा. ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, इनको रिलीज कर दिया गया. सिंस देन देखिए PIL बहुत सारे इश्यूज उठाता है, जैसे चाइल्ड लेबर के हैं, राइट टू फूड है, एनवायरमेंट का क्लीन एयर है एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे यहाँ पर केसेस उठे हैं PIL के द्वारा. अभी देखते हैं द प्रोग्रेस ऑफ PIL हैज थस सीम टू इनकॉर्पोरेट, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं, येट कॉमन, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है PIL के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा. देखिए PIL एक नॉन एडवर्सियल लिटिगेशन है, ओके, दैट पिट्स द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर. यहाँ पर देखिए एक पार्टी का इंटरेस्ट दूसरी पार्टी के अपोजिट में दिखता है कि इनको अपनी बात रखनी है, इनको अपनी बात रखनी है, एक ग्रुप का दिखता है यहाँ पर. ठीक है, और PIL बेसिकली एक सोशल चेंज माना जाएगा, टूल है, एक साधन है सोशल समाज में बदलाव लाने का. PIL आर बेस्ड ऑन द टीनेंट्स ऑफ द सिटीजन स्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग स्टैंडिंग विच एक्सपेंड द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू अप्रोच द कोर्ट. देखिए यहाँ से क्या होगा कि दो थर्ड पार्टीज होती है वो अप्रोच कर सकती है कोर्ट में बिहाफ विक्टिम के बिहाफ पे. ठीक है, PIL फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इज मॉडल्ड ऑन रेमेडियल नेचर. देखिए रेमेडियल नेचर है, किसी को रेमेडी दिलवानी है मीन्स वो तंग है, वो अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट में इस प्रकार से. PIL फर्दर स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ जुडिशरी. देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जुडिशरी का रोल बढ़ जाता है, मॉनिटर कर सकते हैं एज ए वॉच डॉग एजेंसी तो है ही, तो वो अपना यहाँ पर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं इसके थ्रू. देखिए कई बार क्या होता है कि PIL आ तो गया है लेकिन इसको मिसयूज किया गया है प्राइवेट गेन्स के लिए, एंड यस बहुत सारी फ्रॉड लिटिगेशंस भी आई है, ओके, इस वजह से कई बार क्रिटिसिज्म भी सहन करना पड़ता है PIL को, ऐसी बात नहीं है. तो दिस वॉज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देख चुके हम. अगला है हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए हाई कोर्ट फंक्शन एक ऑर्गन है ये भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेट लेवल पे, ये आपने पढ़ लिया है. लोअर कोर्ट इसके नीचे है जहां पर सिविल और क्रिमिनल केसेस भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. लोअर कोर्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव, देखिए लोअर कोर्ट में क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है जहां पर लिटिगेंट प्रोसीड करेगा अपने डिस्प्यूट्स के साथ. दिस कोर्ट हैव सेट टेरिटोरियल, इनकी कुछ लिमिट्स होती हैं आप जानते हैं सिविल केसेस में.
ठीक है, आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर मेनली वेस्टेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट व्हाइल द एपीलेट कोर्ट डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस ऑफ द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। देखिए क्या बता रहे हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या करते हैं कि क्या ये फैक्ट सही है, और एपीलेट कोर्ट होते हैं जो स्टेटस चेक करते हैं उसका कि क्या ये जो एप्लीकेशन है कानून की सही है क्या यहाँ पर। ओके, अभी हम बात करते हैं हाई कोर्ट की कुछ ज्यूरिसडिक्शन की। इनके पास भी कुछ डायरेक्शन ऑर्डर वगैरह रिट्स जारी करने का दिया हुआ है, और रिट्स देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। रिट्स होते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू गारंटो एंड सर्शोरेरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। किसके लिए भाई? फंडामेंटल राइट्स के लिए या फिर किसी अन्य पर्पज के लिए। ओके, तो इसलिए जो इनका रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट जैसा ही, ठीक है। आगे देखिए पीआईएल का भी सेम ही रोल है, ईच हाई कोर्ट का अपना सुपरिंटेंडेंस है, वो अपने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स उनको सुपरिंटेंड करते हैं, उनको अपना देख रेख करते हैं, ठीक है। और डे बाय डे अपना वैसे जो कुछ इश्यूज आते हैं उनके हिसाब से रूल्स वगैरह कुछ अपना बनाना, ठीक है, वो करते रहते हैं, प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। अभी हमारा थर्ड पार्ट है देखिए इसका, वो है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी। कितना इंडिपेंडेंट इम्पार्शियलिटी है, लेट्स सी। द मीनिंग एंड रैशनल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी हैज बीन डेल्ट इन द प्रीवियस सेक्शन। हम अभी तक पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंस के बारे में। द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिफाइन जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स जजेस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंसी बताई गई है जुडिशरी की, उसका मतलब है कि जजेस इंडिपेंडेंट हो, ठीक है भाई। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है लेकिन जजेस के ऊपर कोई दबाव है तो कैसे केस सोल्व होगा, ठीक है, वो इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे। वन मस्ट नोट दैट यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जज, ये दोनों एक ही मीन्स दो डिस्टिंक्ट कंसेप्ट तो है लेकिन दोनों को साथ चलना होगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस कैन बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क। देखिए जो इम्पार्शियलिटी है जजेस का उसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम समझेंगे, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, एंड सेकेंड है इसके बाद प्रोविजन रिलेटिंग टू द जजेस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है बहुत सारी पावर हमारे कोर्ट्स को दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा हटाई नहीं जा सकती है, ठीक है। अपील ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन आप पढ़ चुके हैं, दोनों हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने गए हैं, अपने रिकॉर्ड ये रखते हैं, और पावर है कि खुद के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, मीन्स पुरानी जजमेंट भी अपनी ये देख सकते हैं, या फिर कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट होता है तो उसके लिए भी प्रावधान है यहाँ पर सजा का, ठीक है। आगे जजेस के लिए, जजेस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस कैसे दिया गया है। देखिए सबसे पहली बात तो इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए। फर्स्ट, एक बार अपॉइंट होने के बाद क्या है कि इनका टेन्योर जो है वो सिक्योर रहता है, ठीक है। 62 की एज है हाई कोर्ट के लिए, 65 की एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, ठीक है। और इसके बाद रिटायर होने के बाद कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते एडवोकेट के तौर पे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि यस दे आर इंडिपेंडेंट। जजेस को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव ना हो। सेकंड, सैलरी और अलाउंस इनका कहां से आता है? वो आता है भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। और इनका जितना भी एमोल्यूमेंट्स जो भी कुछ इनको मिलता है वो डिसएडवांटेज में नहीं रखे जा सकते जब ये वहां पर पोस्ट अपनी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एक ही केस में ऐसा हो सकता है डिसएडवांटेज, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई हो। फोर्थ है, इवन द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ जजेस हैज टू बी केप्ट इम्यून फ्रॉम एग्जामिनेशन। देखिए ये जो जुडिशियल कंडक्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं कर सकते, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन है हमारे वो यहां पर ये चेक नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। एक्सेप्ट कब भाई? जब जज को रिमूव करने का प्रोसीजर इम्पीचमेंट वगैरह ये चल रहा है तब डिस्कस कर सकते हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ऑथराइज्ड वो हैव इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का खुद का एस्टेब्लिशमेंट है, खुद का उसके ऊपर कंट्रोल है, और उनका जितना भी स्टाफ वगैरह अपॉइंट होता है उनके द्वारा ही किया जाता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी को दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है तो वो सबके ऊपर लागू होगा। एंड इन दिस वे देखिए हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और अगली वीडियो में हम करेंगे हमारा अगला टॉपिक, दैट इज अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। एंड यस, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।